अस्सलाम वालेकुम। आज है थर्सडे और आज मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज पोटैटो एंड ब्रेड्स के बॉल्स, जो कि मैं अमायरा के लंच में देने वाली हूँ। और ये खासकर मैं अमायरा के लिए ही बना रही हूँ। तो ये मेरे पास ब्रेड पड़े हैं और आलू मैंने बॉयल लिए हैं। तो इसमें मैं तीन आलू, मैंने बड़े साइज़ के तीन आलू लिए हैं और तीन ही मैं ब्रेड इसमें यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये ब्रेड्स को तोड़ के मिक्सी में और इसको हल्का दर तरह पीस लेंगे, जिससे ये ब्रेड क्रम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो मोटी वाली ब्रेड होती है, इसको भी कोई नहीं खाता है, तो इससे हम कोई भी रेसिपी में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है और ये बन गए हैं ब्रेड क्रम्स। और ये मैं इसके अंदर डालूँगी। पहले मैं ये जो पोटैटोस हैं इनको मैं तोड़ लेती हूँ इस तरह से। बहुत बारीक पेस्ट की तरह से बनाना है इसका। और इसमें हम ये ऐड कर लेंगे जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। और ये ऐसा ब्रेकफास्ट है जो कि झटपट से तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही लजीज लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए, बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। और इसमें मैं हल्का सा मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी कलर के लिए थोड़ी सी डाल रही हूँ और नमक डालूंगी, बाकी मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी। और हरी मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अमायरा के लिए बना रही हूँ। तो थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड कर लिया है। और इसको अच्छे से एक पेस्ट की तरह से तैयार करेंगे इस तरह से। बिल्कुल ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। इस तरह का डो हम बनाएंगे इसका। ये देखिए, अच्छी तरह से दोनों चीज़ मिक्स हो गई है। और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ला के रख सकते हैं और वो छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं, तो वो भी चीज़ बॉल्स की तरह बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो उसके मैं छोटे छोटे से बॉल बना लेती हूँ तरह से। और इस तरह की रेसिपी की फरमाइश मुझसे किसने की थी, वो मैं नाम भूल गई हूँ, सॉरी माँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। पर मुझसे किसी ने बोला है अभी रिसेंटली कि आप ब्रेड से कोई रेसिपी बताएं जो झटपट बन जाए, तो मैं उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, और स्पेशली मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ और नाम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी याद करके या देख के। तो ये हमने चीज़ बॉल्स को फ्राई कर लिया है, सॉरी पोटैटो बॉल्स को। तो अगर आप इसमें चीज़ भी ऐड कर देते हैं, अंदर स्टफ़ कर देते हैं, तो ये चीज़ बॉल्स बन जाएंगे। और उसको हमने इतना ही फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को हमें हाई टू मीडियम रखना है। पहले हाई फ्लेम पर हमने इसे गर्म करना है ऑयल को, और उसके बाद मीडियम कर लेंगे फ्लेम, और बिल्कुल लो फ्लेम पे से नहीं बनाना है, अदरवाइज ये काफ़ी ऑयली हो जाएंगे। ब्रेड है इसमें तो काफ़ी ऑयल सोक करेंगे। और ये देखिए, मेरा फ्राई पैन में से यूज़ करती हूँ फ्राइंग के लिए, तो ये मेरी मेड के काम है, पता नहीं कैसे वॉश किया है। तो हमने बचे हुए बॉल्स को भी और फ्राई कर लिया है। तो ये हमारे पोटैटो बॉल्स बनके रेडी हो गए हैं और मैं ये हमारा के लंच में रख रही हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। आप इस तरह से ब्रेकफास्ट में बना के और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं इसे, बहुत टेस्टी बनता है।
इसको मैं रख लेती हूँ लंच बॉक्स के अंदर आलू के लिए, और इसके साथ में टमेटो केचप थोड़ी सी, और थोड़े से वेफर्स में डालूँगी इसके साथ में, थोड़े से रखे हुए हैं घर में उसके बचे हुए, तो वो लंच में खा लेगी। इस तरह से आप अपने बच्चों को बना के देंगे तो आपके बच्चे थोड़े से एक्साइटेड होके इसे खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा। तो इस तरह से आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो हमारा चली गई है स्कूल, और ये मैं इसकी बॉटल, दूध की बॉटल बॉयल कर रही हूँ, और इधर इसका दूध बॉयल हो रहा है, अभी अभी देखे गया है दूध वाला, तो मैंने इसे बॉयल करके रखूँगी। और इधर मैंने बॉटल भी बॉयल कर ली है आलू की, आएगी तो वो दूध पिएगी, और अभी मैंने उसकी बॉटल छुड़ाई नहीं है, लेकिन अभी मैं उसका प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ छुड़ाने का। दूध की बॉटल छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, अभी उसका 2.5 साल की हो गई है। तो ये मैं वेट कर रही हूँ, उसके पापा लेने गए हैं उसे स्कूल से। ये हमारे बाहर, मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो सभी जगह डस्ट धूल मिट्टी इतनी हो गई है गली में। तो ये हमारे बाहर का एरिया है, और ये आ गई है मैडम, और अभी हो गए हैं दोपहर के 2:30 दो ढाई के आसपास, और मैं पास की दुकानों से, मतलब मार्केट है हमारे पास में थोड़ी सी दूरी पे, वहाँ से मैं ये समर के लिए बॉटल्स लाई हूँ, वाटर बॉटल्स, और ये मैं आइसक्रीम के लिए लाई हूँ कुल्फ़ी मोल्ड है ये। मुझे एक्चुअली कुल्फ़ी वाले मोल्ड चाहिए थे, लेकिन मुझे मिले नहीं, मुझे इस तरह के मिले। और ये मैं लाई हूँ ऊन, 2 कलर की मेरे पास पड़ी है, इससे मैं कुछ DIY बनाने वाली हूँ। और ये है सिंक का ब्रश लेके आई हूँ, तो और ये अमायरा की दवाई है, ये एक साथ मैंने रखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं मुझे दिख गई थी बिरयानी वहाँ पर, तो मैं बिरयानी पैक करा के ले आई हूँ अपने लिए, बहुत दिन से मेरा दिल कर रहा था। बाहर की बिरयानी ये जो बनाता है मुरादाबादी बिरयानी, तो मैं ये आज पैक करा के लाई हूँ। और ये चिकन बिरयानी है, मैं आपको चिकन का पीस दिखा रही हूँ। और उसके साथ है ये चटनी, तो ये मैं रखती हूँ, और ये गरम गरम है, और मैं अभी इसे खाऊंगी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो ये सारा सामान मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो ये मैं कुछ समर के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। बॉटल्स मुझे चाहिए थी, क्योंकि पुरानी बॉटल्स मैंने हटा दी हैं, और ये कुल्फ़ी के मोल्ड हैं, ये हमारा ने खोल भी दिया है, तो अगर खोल दिया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह के हैं, जिस तरह से चोकोबार वगैरह होती है आइसक्रीम, उस तरह के मोल्ड हैं ये। तो मुझे लगी है भूख बहुत जोर वाली, तो मैं खा रही हूँ बिरयानी, और ये बिरयानी बहुत टेस्टी बनाता है। जब मैं अमायरा को एक्सपेक्ट कर रही थी, तब मैं बहुत खाती थी इसकी बिरयानी, तो तब से मुझे बहुत पसंद है। और ये मैं जो ऊन लेके आई थी, मैंने उसके कुछ फ्लावर्स बनाए हैं इस तरह के, इसको पॉम पॉम भी कहते हैं। तो इससे मैं कुछ DIY करूँगी, तो उसके लिए मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने फ्लावर्स ये तैयार किए हैं। और अभी हो गया है शाम का टाइम 6:00 के आसपास, और मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। और डिनर में मैं बना रही हूँ आज भरवा बैंगन स्टफ ब्रिंजल। तो भरवा बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गार्लिक, एक प्याज और एक छोटा टमाटर, या 2 छोटे टमाटर लिए मैंने,
कह सकते हैं ये एक छोटा मीडियम साइज़ का टमाटर हो, या आप एक दो छोटे टमाटर ले लें इस तरह से। और बेसिक मसालों में रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और मैं थोड़ी सी मेथी दाना यूज़ करूँगी इसको फ्राई करने के लिए। तो पहले हम मसाला तैयार करते हैं, और ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ स्टफ़ बैंगन बनाने का। इससे आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि यार स्टफ़िंग करके बैंगन बनाना है कैसे, बहुत टाइम लगेगा, तो वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। आप तुरंत जैसे सब्ज़ी बनाते हैं वैसे आप इसको बहुत फटाफट बना लेंगे आराम से। बहुत ईजी रेसिपी है ये बैंगन स्टफ़ बैंगन बनाने की। तो मैं ये सब चीज़ों को एक साथ पीसने वाली हूँ। लहसुन थोड़ा मोटा मोटा था तो मैंने उसे पीसेस में कट कर लिया है, और टमाटर को भी काट लेते हैं। टमाटर प्याज लहसुन को काट लिया है मैंने, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर। 1/4 स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ इसलिए मैं इसमें अमचूर पाउडर नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो इसको मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है, और अब हम क्या करेंगे, हम जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे मसाला भूनेंगे और बैंगन को काट के रख लेंगे बस, और हमें कुछ नहीं करना है। बहुत इजी रेसिपी है ये स्टफ बैंगन की। यहाँ पर मैंने रख दिया एक पैन, और इसको गरम करके इसमें थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बैंगन को हम ऐसे ही बनाएंगे, फ्राई नहीं कर रहे हैं। लगभग 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है यहाँ पर, और इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी दाना 1 चम्मच। मेथी दाना जैसे चटकने लगेगा तब हम इसमें मसाला डालेंगे, और उससे पहले मैं ये जो बैंगन है मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से, और इनको अब मैं काट लेती हूँ। काटने के लिए आप इसको जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको क्रॉस कट करेंगे। पहले हम इसके स्टेम को थोड़ा सा साफ कर लेंगे इस तरह से, तो ये चटकने लगा है मेथी दाना। और इसमें ऐड कर दूंगी मसाला जो हमें पीसा है अभी। थोड़ा सा पानी डाल के हम ब्लेंडर को भी खंगाल के इसमें डाल देंगे। सारा मसाला अच्छे से निकाल लेंगे हम मिक्सी से, और मिक्सी के जार से, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। जब तक हमारा मसाला भून रहा है हम बैंगन को काटते हैं, और बैंगन को इस तरह से काटना है, क्रॉस कट करना है बीच में से, और बिल्कुल एंड तक इसको काटना है। लेकिन याद रखें बैंगन अलग नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो ये मैंने बैंगन को काट लिया है, और ये 250 ग्राम्स बैंगन है, और बैंगन का साइज़ आप इससे भी थोड़ा सा छोटा ले सकते हैं, ये मेरे मीडियम साइज़ के बैंगन है। ये देखिए मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन गया है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसमें, लगभग 1-2 सेकंड का। हाई फ्लेम पे मैं इसे भून रही हूँ,
अब हम इसको बैंगन को इस तरह से स्टफ़ कर लेंगे, और थोड़ा सा सावधानी के साथ केयरफुली आप इसे स्टफ़ करें, क्योंकि ये मसाला जो है गर्म है बहुत, तो आपका यहाँ पे मसाले को जो हम भरते हैं कच्चे बैंगन कच्चे मसाले को, वो टाइम आपका सेव हो गया। तो आप इस तरह से भरवा बैंगन बनाएंगे तो उसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और नमक मैंने मसाले में पीसने के बाद डाल दिया था, हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसको ढक कर हम पकाएंगे अब स्लो फ्लेम पे। तो ये देखिए मैंने इसको 2-3 मिनट पकाया है, और इसको फ्लिप कर देंगे इस तरह से, फिर से इसे ढक के पका लेंगे। और अगर आपको मसाला थोड़ा सा ड्राई होता नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। इस तरह से आप इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करके इसको जब तक बैंगन नहीं गल जाते तब तक आप पकाते रहें। इसको मैंने 10 मिनट और पका लिया है, और ये देखिए हमारे बैंगन रेडी हो गए एकदम, स्टफ बैंगन हमारे रेडी हो गए हैं। मैं इसके साथ बनाऊंगी रोटी। तो ये था हमारा आज का रूटीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।